रायबरेली अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरानी का सेलिब्रिटी दर्जा आज भी बरकरार है। पिछले 2 दिनों से अपने लोकसभा इलाके के रायबरेली जिले में पड़ने वाली सलोन विधानसभा क्षेत्र में इसकी बानगी सामने आई है। यहां फरियाद लेकर आई महिला भीषण गर्मी में किसी तरह भीड़ को चीरती हुई स्मृति ईरानी तक पहुंची तो अपनी समस्या भूलकर सेल्फी लेने में मशरूफ हो गई। हम बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों लगातार अपने संसदीय क्षेत्र के सलोन विधानसभा में लोगों से जनसंवाद कार्यक्रम कर रही हैं। कल यहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची स्मृति ईरानी ने आज डीह ब्लॉक के टेकारी दांदू से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू कर डीह कस्बे पहुंची तो यहाँ बीज भंडार प्रांगण में फरियादी उनका इंतजार करते मिले। स्मृति ईरानी यहाँ न केवल एक एक फरियाद से मिली बल्कि उनकी समस्याओं से रूबरू होते हुए साथ चल रहे अधिकारियों को निर्देशित भी किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि वह 2014 से लगातार अमेठी के लोगों से मिलती रही हैं। 2019 से सतत तौर पर वह बूथ स्तर तक पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं दूर करने का प्रयास करती रही हैं। उन्होंने कहा कि अमेठी के इतिहास में शायद मैं पहली सांसद सरकार की परिकल्पना को साकार करते हुए ग्रामीणों के पास तक पहुंचती हूँ। आप ही मुझे दीदी कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इतना ही कहूंगी कि मेरा सौभाग्य है आप सब मुझे सतत 2014 से यहाँ देख रहे हैं। मैं 2019 के चुनाव की जीत के बाद विशेषतः कृतज्ञता अपना भाव जो है वो अर्पित करना चाहूंगी। योगी सरकार में जिला प्रशासन ने विशेषतः सलोन में एक एक गाँव और ग्राम पंचायत के लोगों के माध्यम से उनकी समस्याएं सुनते हुए समाधान तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शायद ही कभी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में यह हुआ हो कि एक सांसद हर ग्राम पंचायत तक, हर बूथ तक खुद पहुंचा हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनेकों बार। तो ये मेरा सौभाग्य है कि जनता इस उम्मीद के साथ आती भी है, प्रशासन के सभी अधिकारी संग रहते हैं ताकि जनता को मुख्यालय तक पहुँचने की जद्दोजहद ना करनी पड़े। सरकार खुद चल के उनके द्वार आती है, ये मोदी योगी के युग में ही संभव है। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।